सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा। हर जीवों में साई बसा है, हर जीवों में साई बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साई पूजा, अलग है साई। ओम साई राम, जय साई राम। मैं आप लोगों की तरह ही भक्त हूँ। साई बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये बात उस समय की है, लास्ट ईयर की। मेरी डिलीवरी प्री मेच्योर हो गई थी और मेरा बेटा सिर्फ 900 ग्राम का था। तो बाबा की कृपा से, बोलो या कुछ भी बोलो, बाबा ने बहुत हेल्प की। उसके वो होते ही हमें उसे NICU में रखना पड़ा एंड बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। उसको मिल्क नहीं पी पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा, 15 डेज का, तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। मतलब बोल नहीं सकते उतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी वैसे। फिर धीरे 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 सही होता गया। 40 डेज तक NICU में रहने के बाद बाबा की कृपा से मेरा बेटा घर वापस आया। और NICU में तो आपको पता ही है कि कितना खर्च हो सकता है। हमारे पास पैसे भी नहीं थे उतने कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, पर धीरे धीरे बाबा की कृपा से कैसे कैसे अरेंज होता गया, सब होता गया। बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। आज मेरा बच्चा 9 मंथ्स का है और अभी उसको एक प्रॉब्लम आई है लेफ्ट आईज़ में। उसको थोड़ा माइनस पॉइंट आया है, वो भी मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा ठीक कर देंगे। बाबा की कृपा उसके ऊपर रहेगी तो बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। साई बाबा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। तो ये तो रहा मेरे बेटे का एक बात। रिसेंटली मैंने ऐसे ही बोला, बाबा मुझे घर में बैठ के मैं क्या करूँ, इतने सारे मतलब खर्चे हैं, क्यों नहीं आप मुझे एक जॉब ही दे देते हो। तो बाबा ने मुझे जॉब दे दी, मैंने जॉब पकड़ ली। बट क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है तो शायद जॉब तो पार्ट टाइम थी, 5-6 आवर्स तो करने ही पड़ते काम, लेकिन उसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि उसको देखना फिर काम करना बहुत ज़्यादा वर्क हो जा रहा था। तो फिर मैंने जॉब भी छोड़ दी, लेकिन बाबा ने तो मुझे दिया, मैंने मांगा और बाबा ने दिया। तो बाबा ने तो मेरी हर जगह से मदद की। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम है। बाबा आप जैसे मेरी मदद किया, आप सबकी मदद करना और हमेशा अपना हमारे ऊपर हाथ बनाए रखना बाबा। ओम साई राम, जय साई राम।